हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूंडई ग्रैंड आई 10 नियोस, जो कि है 2022 का वेरिएंट। सो गाइस, चलिए रिव्यू जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट की। फ्रंट कुछ इस तरह से इसका पूरा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको जो है हैलोजन की लाइट मिल जाती है एंड हैलोजन के इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे आपको जो है फॉग लैंप मिल जाता है, बीच में ह्यूंडई का लोगो एंड ब्लैक कलर की आपको बीच में जो है ग्रे मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको जो है सिल्वर कलर की यहाँ पे लाइनिंग, जो कि ग्रिल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्हेंस लुक देती है। एंड यहाँ पे आपको जो है LED DRL एंड इस साइड भी। सो गाइज, अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके टायर की। 165/70R14 का इसमें आपको जो है व्हील साइज मिल जाता है। एंड आगे आपको जो है डिस्क ब्रेक मिल जाती है एंड साइड मिरर के ऊपर आपको जो है इंडिकेटर मिल जाता है। एंड ये मिरर आप अंदर से क्लोज एंड ओपन कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। 37 लीटर का इसमें आपको जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है। कुछ इस तरह से इसकी पूरी लुक आ रही है, आप देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। बैक साइड में आपको जो है हैलोजन के इंडिकेटर मिल जाते हैं, ग्रैंड i10 की बैजिंग, बीच में आपको ह्यूंडई का लोगो एंड नियोस की बैजिंग नीचे। एंड यहाँ पे आपको जो है कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड नीचे आपको बम्पर के ऊपर जो है सिर्फ दो सेंसर मिल जाते हैं। एंड सो गाइस, अब बात करते हैं इसके लेंथ की। 15 mm की इसकी जो है पूरी लेंथ है। एंड वेट की बात करें 1680 mm इसकी जो है पूरी विड्थ है। एंड ओवरऑल हाइट की बात करें 1520 mm इसकी जो है पूरी हाइट है। साथ ही साथ आपको जो है पीछे मिरर के ऊपर वाइपर वगैरह नहीं मिलता है, डिफॉगर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको जो है LED लाइट मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना एंड यहाँ पे आपको जो है रूफ रेल मिल जाती है। एंड ये थी इसकी पूरी बाहर से पूरी ओवरऑल लुक। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। सो गाइस, चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले बात करें इसके डोर की। पहले टिकटॉक को इसको जो है बंद कर देते हैं। ये हो गया बंद। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इसके ब्लैक एंड बीच कलर का। इसका जो है पूरा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको जो है 4 पावर विंडो मिल जाती है। मिरर क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है, साथ ही साथ आपको लॉक अनलॉक का। यहाँ पे आपको जो है 4 डोर के ऊपर जो है स्पीकर मिल जाते हैं। एंड इसमें आपको जो है ट्विटर वगैरह नहीं मिलते हैं। एंड बात करते हैं इसके सीट की। सीट की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की। सो गाइस, आप देख सकते हो अंडर थाई सपोर्ट इसमें मतलब बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे आप बात कर सकते हैं इसके हाइट एडजस्टेबल की। यहाँ पे आपको जो है ऐसे आप सीट के हाइट अप एंड डाउन कर सकते हो। एंड आप बात करते हैं इसके ABC पेडल की। यहाँ पे आपको जो है ABC पेडल मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है डेड पेडल वगैरह नहीं मिलता है। एंड ये कुछ इसका पूरा इंटीरियर है डोर का। एंड ये डोर ओपन करने के लिए सिल्वर कलर का लीवर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सिल्वर कलर और वाइट कलर में ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं है, बट सिल्वर कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये रहा इसका पूरी इंटीरियर की थीम। ये जो सीट कवर है इंटीरियर के साथ, ये सीट कवर पूरे मैच किए हुए हैं एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इंटीरियर के साथ भी। एंड इसकी जो अच्छा है इसके साथ पूरे मैचिंग ये लग रहे हैं। सो गाइस, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। चलते हैं गाड़ी के अंदर, एक बार सीट को कर लेता हूँ मतलब पीछे। सो गाइस, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो है की दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से इसकी पूरी की है, लॉक अनलॉक। एंड इसको होल्ड करके रखो तो इसकी जो है डिक्की ओपन हो जाती है। फ्लिप कलर की इसमें जो आपको की मिल जाती है। एक बार इसके कंसोल को जो है ऑन कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस, ये रहा इसका पूरा इंटीरियर। पहले टू को जो है बंद कर लेता हूँ। सो गाइस, ये रहा इसका पूरा इंटीरियर। सबसे पहले बात करेंगे स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग के ऊपर आपको जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन मोड वगैरह मिल जाते हैं। एंड यहाँ से आप कॉल उठा सकते हो, काट सकते हो। एंड सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्प्ले की। सो गाइस, यहाँ पे आपको जो है RPM की सुई मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको जो है ओडोमीटर सबसे पहले। एंड यहाँ पे आपको ट्रिप ए एंड ट्रिप बी मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको जो है रेंज मिल जाती है। एंड साथ ही साथ माइलेज 16 की माइलेज दे रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। एंड 26 ये आपको टाइमिंग यहाँ पर मिल जाती है। एंड थोड़े बहुत आइकन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे हैंड ब्रेक का हो गया, इंजन ऑयल का हो गया, बैटरी का हो गया, सीट बेल्ट का हो गया। सो गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको जो है पूरा ब्लैक आउट का ये वाला स्टीरियो मिल जाता है, जो कि 8 इंच का है। एंड यहाँ पे आपको AC के इवेंट मिल जाते हैं, 1000 लाइट। इस साइड भी आपको जो है AC के इवेंट मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो है मैनुअली एडजस्टेबल IRVM करना पड़ेगा। एंड बात करते हैं यहाँ पे इसके टिकट होल्डर, यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे बीच में आपको जो माइक मिल जाता है। एंड इस साइड आपको जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है। एंड बात करते हैं यहाँ पे, जो कि ये वाला स्पेस भाई काफ़ी ज़्यादा, मतलब फ़ोन रखने के लिए, वॉलेट रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। एंड क्लब बॉक्स की बात करें भाई, बहुत बड़ा इसका जो है क्लब बॉक्स है, आप देख सकते हो। इसमें आपको अपना पेपर वर्क वगैरह, मतलब गाड़ी के पेपर वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। नीचे आपको जो है 12 वोल्टेज का जो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग
मिल जाती है, थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड 5 स्पीड का मैनुअल ये वाला गियरबॉक्स है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, बॉटल वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। एंड साथ में हैंड ब्रेक, इसमें जो है आर्म रेस्ट नहीं आता है, एंड आफ्टर मार्केट आप करवा सकते हो। सो गाइस ये है इसका पूरा ओवरऑल लुक। एंड साथ ही साथ इसमें जो पूरे स्टेयरिंग में ये वाली जो लुक है ना सिल्वर कलर की, बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सिल्वर कलर जो है ब्लैक के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। यहाँ पर आपको जो है वाइपर के कंट्रोल ये आप देख सकते हो, एंड ये साइड जो लाइट के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो है लाइट कम ज़्यादा करने के लिए बटन मिल जाता है। तो गाइस इसमें जो है एक और अच्छी बात है भाई, इसमें जैसे क्रेटा का हॉर्न है ना भाई, हर गाड़ी में अब ये वाला हॉर्न दिया हुआ है भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है यार जैसे क्रेटा में दिया हुआ। एंड एक बार स्टेयरिंग की बात आई तो स्टेयरिंग भी चेक कर लेते हैं टेलीस्कोपिक है। ओ भाई, तो गाइस इसमें आपको जो है स्टेयरिंग टिल्ट मिलता है, आप देख सकते हो। सो इसको कहते हैं क्लोज। सो गाइस ये रहा इसका पूरा ओवरऑल इंटीरियर। अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। सीट तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। सो गाइस पीछे वाले डोर के ऊपर भी आपको जो है सेम कलर मिल जाता है, पावर विंडो, नीचे बॉटल होल्डर, बॉटल रखने के लिए जगह मिल जाती है। सबसे पहले बात करेंगे इसके सीट के हेडरेस्ट की। फिक्स आपको जो है इसमें 4 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सो गाइस पीछे आप देख रहे हो भाई, सीट मैंने अपने हिसाब से जो है एडजस्ट किया है, 6 फीट का बंदा भी आराम से इसमें बैठ सकता है, एंड 3 बंदे इसमें जो है आराम से फिट आ सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, एंड नीचे आपको जो है 12 वोल्टेज की सॉकेट मिल जाती है। सो गाइस यहाँ पे आपको जो है हेलोजन की लाइट मिल जाती है, आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं। पीछे से कुछ इस तरह इसकी पूरी इंटीरियर की लुक है, आप देख सकते हो। सो गाइस बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, यहाँ से इसको करते हैं ओपन। सो गाइस ये रहा इसका पूरा बूट स्पेस, 260 लीटर का इसमें आपको जो है बूट स्पेस मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं इसके स्पेयर व्हील की। स्पेयर व्हील भी आपको 160/70R14 का इसमें आपको जो है स्पेयर व्हील मिल जाता है, ये अलॉय नहीं मिलता है, जो कि है स्टील रिम मिल जाता है इसके साथ। एंड यहाँ पे आपको जो है हुक मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको लाइट वगैरह पीछे कुछ नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे आपको जो है पार्सल ट्रे मिल जाती है, आप देख सकते हो। एंड अगर आपको अपना बूट स्पेस बढ़ाना है तो आप ये वाली सीट जो है क्लोज कर सकते हो, यहाँ पे इसकी हुक दी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको जो है डिक्की को क्लोज करने के लिए होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे डिक्की पूरी क्लोज हो गई है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की, इसको करते हैं यहाँ से ओपन। सो गाइस ये इसका पूरा के 1.2 1200cc का इंजन है, 4 सिलेंडर, जो कि पावर जनरेट करता है, 81 bhp की पावर ये जनरेट करता है, एंड 113 Nm का ये टॉर्क देता है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो ABS, EVD, इसमें हील होल्ड कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। एंड इस साइड आपको बैटरी, एक साइड की बैटरी मिल जाती है, ये है इसका पूरा। एंड यहाँ पे आपको कपड़ा वगैरह कुछ नहीं मिलता है, आप देख सकते हो ऊपर, क्योंकि रिफाइनमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है तो कपड़ा वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है। इसको करते हैं क्लोज। सो गाइज ये थी Hyundai Grand i10 की पूरी वीडियो। सो गाइज वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और नई वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।